हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमी वर्ल्ड। तो हर एक्सपेक्टेंट मदर्स जब वो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में होती है तो हर महिला को यही अंदर से चिंता रहती है कि वो ऐसा क्या खाए पिए कि उसका बेबी का जो वेट है वो बहुत ही अच्छा हो, उसको आप बेबी हेल्दी हो। तो आज आपकी इस वरी को ही मैं सॉर्ट करने आई हूँ। मैं आज आपको ऐसा ब्रेकफास्ट बताने वाली हूँ जिसको अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बेबी वेट पे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बेबी का वेट एकदम अच्छा निकलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल का बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड, पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड ऐसी बहुत सारी नॉलेज देती हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। और अगर आपने वीडियोस अभी तक लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। तो फटाफट से जानते हैं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐसे क्या चेंजेस करें, ऐसे क्या फूड इंक्लूड करें ताकि बेबी का वेट बहुत ही अच्छा हो। तो अभी मैं आपको जितने भी फूड आइटम्स बताने वाली हूँ वो आप अपने डे वन ऑफ योर प्रेगनेंसी से इंक्लूड कर सकते हैं, यानी जैसे ही आपने कंसीव किया उस दिन से आप अपना डाइट प्लान, ये वाला डाइट प्लान जो मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेकफास्ट का, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सुबह उठते से ही जो आपको करना है वो करना है 4 सोक्ड आलमंड्स यानी बादाम, इनको आपको खाना है। कैसे खाना है आपको, रात को है ना भिगो के रखना है बादाम को, 4 ही लीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लीजिएगा, उनको रात को भिगो के रखना है, सुबह उसकी स्किन उतार के आपको खाना है। तो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के में तो आपको वॉमिटिंग, नोजिया इस टाइप की बहुत तकलीफ होगी, तो आपको ये बादाम जो खाना है वो आप ना जैसे ही आप बेड से उठें तभी खा लीजिएगा, इवन ब्रश करने से पहले ही, तो इससे आपको है ना आपके नोजिया वॉमिटिंग इनमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है और उसमें आपको कुछ है ना टिप्स चाहिए, तो मैंने इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख के अगर उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपका ये नोजिया वॉमिटिंग आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपको नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में। तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और बादाम के भी क्या क्या स्पेसिफिक फ़ायदे हैं आपको, आपकी बॉडी में, आपके बेबी को, उस पर भी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं ऊपर फ्लैश आउट कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए जानते हैं हम ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं, क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपका वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसमें बहुत ही प्रोटीन रिच आइटम होने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छा होता है और उसका वेट गेन भी साथ में अच्छा रहता है। तो अगर आप नॉनवेज हैं तो आप एग को इंक्लूड कीजिए, एग बहुत ही हाई रिच सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको बहुत सारे आइटम अभी बताने वाली हूँ जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आइटम है पनीर, आप अपने ब्रेकफास्ट में पनीर इंक्लूड करिए। आप पनीर किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, आप पनीर का पराठा बना सकते हैं, पनीर को स्टफ करके रोटी में भर सकते हैं आप उसको, पनीर को अगर आपको दोनों तरीके से पसंद नहीं है तो आप पनीर को साइड से पीस करके ऐसे ही कच्चा ही भी खा सकते हैं। पनीर के साथ ही जो आपको लेना है वो लेना है 1 ग्लास दूध। दूध आपको उसमें ऐड करना है प्रोटीन सप्लीमेंट यानी प्रोटीन पाउडर। तो आपके डॉक्टर ने आई थिंक रिकमेंड किया होगा आपको कोई ना कोई प्रोटीन पाउडर, और अगर नहीं किया तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी प्रोटीन पाउडर की लिंक, जो प्रोटीन पाउडर मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खाया था। तो आप एक बार डॉक्टर से बात करके उसको भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको प्रोटीन पाउडर पसंद नहीं है मार्केट का दूध में डालने के लिए, तो आप घर पे ही प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। उसके लिए आपको ड्राई नट्स लेने हैं यानी ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, नट्स जैसे आलमंड्स, कैश्यू, पिस्ता, अखरोट, इस तरह से पीनट, इन सबको आपको ड्राई रोस्ट करना है अपने पैन में और उसको मिक्सी में एक ब्लेंड दे देना है, पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को आप एयरकट टाइट कंटेनर में रख लीजिए और 1 या 2 चम्मच आप अपने अपने गुनगुने दूध में मिला के पीजिए, वो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है। अब मान लीजिए आपको दूध भी पसंद नहीं है तो फिर आप है ना प्रोटीन बिस्किट्स खा सकते हैं, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्रोटीन बिस्किट्स आप उसको ले सकते हैं, साथ में 2-3 बिस्किट्स ले लीजिए, एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट हो जाएगा।
सेकंड चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है ब्रेकफास्ट में पालक। तो पालक का क्या कर सकते हैं, आप पालक के पराठे बना सकते हैं, पालक की रोटी बना सकते हैं, कुछ नहीं तो अगर आप कुछ पालक की भुजिया या भुर्जी बना के साथ में आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं है तो आपको सूप, आप पालक का सूप ले सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको इंक्लूड करनी है वो है पीनट ग्राउंडनट मूंगफली जिसे हम बोलते हैं। तो मूंगफली भी बहुत ही अच्छा सोर्स है आपका प्रोटीन का। अब आप मूंगफली किस तरह से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट में इडली या फिर डोसा खाते हैं और साथ में चटनी लेते हैं तो आप उसमें वहाँ पे पीनट की चटनी बना के ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका पीनट आ जाएगा उधर। अगर आप ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा ये चीजें खाना पसंद करते हैं सेवैया, तो उसमें आप भर के मूंगफली डालिए तो आप उससे भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अच्छे से प्रोटीन डालिएगा मूंगफली, थोड़ा बहुत दो चार डालेंगे आपको बहुत ही हैंडफुल, मतलब इतना ऐसा मुट्ठी भर के मूंगफली डालनी है अपने ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा आप है ना ब्लैक चना और मूंग, इन दो को आप इंक्लूड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। आपको इनको कैसे इंक्लूड करना है, आपको इनको रात को भिगो के रखना है और सुबह एक बॉयल दे के खा लीजिए। अगर आप कच्चे खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक ना बॉयल दे दीजिए कुकर में और फिर खाइए। इनका स्प्राउट्स मत निकालिएगा, बिना स्प्राउट के ही आप ले सकते हैं इनको। अगर आप चीला खाते हैं तो आप चीले जैसे ओट्स का चीला और बेसन का चीला खाते हैं तो उसके साथ में आप है ना पिसी हुई मूंगफली का पाउडर डाल दीजिए, ओट्स इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में, तो ये भी आपके प्रोटीन रिच अच्छे सोर्सेज है जिससे आपका बेबी का वेट बहुत ही अच्छा बढ़ता है। साथ ही मैं आपको एक टिप शेयर करना चाहूंगी कि यूजली क्या होता है, हम ब्रेकफास्ट तो 7-8 बजे कर लेते हैं बट हमारा लंच 12-1 बजे तक होता है, तो बीच में बहुत गैप हो जाता है। तो आप इतना गैप मत रखिएगा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए, हर आधा घंटे में कुछ ना कुछ पीते रहिए। तो ब्रेकफास्ट से 2 घंटे बाद आप डेफिनेटली अपने उसमें कुछ मिड स्नैक्स इंक्लूड करिएगा। मिड स्नैक्स में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एक हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स दूध नहीं पिया तो यहाँ पे आप अपना ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। तो ये सब जरूर इंक्लूड करिएगा, गैप ज़्यादा लंबा मत रखिएगा। अगर आप गैप लंबा रखते हैं तो भी बेबी का वेट और बेबी का डेवलपमेंट कम होता है। आप है ना अच्छे से खाते पीते रहिए, हर 2-2 घंटे में खाइए, हर आधा आधा घंटे में पीजिए, इससे आपका बेबी का वेट अच्छा ही रहने वाला है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपको क्या इंक्लूड करना है अपने डाइट में, क्या चेंजेस करने हैं जिससे बेबी का वेट अच्छा हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स फेलो प्रेगनेंट वुमन इन सबके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, इसी तरह के एक नए प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए।